से अगर पीछा नहीं छुड़ाया तो आज भी लकी हाथ से निकल जाएगा। आरती भाभी, प्यारे भैया ना एक लड़की से बात कर रहे थे उस गली में, मैंने अभी भी देखा। हाँ तो फिर तू यहीं पे रुक, मैं अभी आई। अरे ओ लल्ला, जाओ जान छुट्टी से लकी खाओगे। हाय राम, लारती कहीं तू बावड़ी तो ना हो गई है? लल्ला के बाउसा तो घर में। ऊट की कसम, जे छोरी ने मारे को कहीं मूर्ख तो ना बनायो। देख लूंगी उसको। कठे भाग गई जी। आज मैं लकी केस 7 से 8 के राज के बारे में पता करके ही रहूंगी। चाची बाजार से इतनी जल्दी कैसे आ गई? लकी कहाँ गायब हो गया? अभी तो यहीं पर था। आगे जाके देखती हूँ। अच्छा वो चाची ने तो नहीं देखा। अब मैं चलता हूँ। अरे तू इतना लेट आया और इतना जल्दी जा रहा है? अरे देखो क्या बताऊँ, आज तो लवली चाची ने ना मेरे को पकड़ ही लिया था। बाप रे क्या बात कर, इससे पहले कि कोई और मेरे को देख ले मेरे को घर पहुंच जाना चाहिए। अरे ऐसे तो छुप छुप के कब तक आता रहेगा? तुझे ना अपने घर वाले को बोलना चाहिए थोड़े देर तुझे भी टीवी देखने दिया करे। अरे यार वो मेरी दादी सा है ना, वो बहुत सख्त है, वो हमें कभी टीवी देखने नहीं देती। छुट्टियों में भी हम बच्चे पढ़ते रहते हैं, इसीलिए तो मैं सबको बोलता हूँ कि 7 से 8 मेरे पढ़ाई का टाइम होता है और मैं तेरे घर पे छुप के आ जाता हूँ और कार्टून देखता हूँ। अच्छा चल मैं चलता हूँ। लकी ये कौन है? मैं इसकी चाची। ओ चाची मैं। लकी ये बहुत गलत बात है, तुम घर में सबको झूठ बोलकर पढ़ाई के बहाने से घर से यहाँ के सब आते हो। तुमने कभी सोचा है कि अगर मासा को पता चल गया तो क्या होगा? तुम जानते हो कि मासा को झूठ से बहुत नफरत है, फिर भी लकी यहाँ देखो, यहाँ देखो, बताओ क्या बात, बताओ सच क्या है? चाची मैं दादी सा के रूह से तंग आ गया हूँ। हम बच्चों को सारे दिन पढ़ाई करने के बाद भी ना तो खेलने दिया जाता है ना तो टीवी देखने दिया जाता है, जबकि स्कूल के सारे बच्चे टीवी देखते हैं और वो लोग मेरे को चिढ़ाते हैं कि मैंने ये देखा मैंने वो देखा। ये भी कोई बात है चाची, दिन भर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कभी टीवी देख लिया तो क्या हो जाएगा? क्या तुमने इसके बारे में अपनी मम्मी से बात की
उससे क्या हुआ चाची? दादी सच से तो कोई बात नहीं कर सकता, और अगर मैं दादी सच से परमिशन लूंगा तो वो मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे और वो मुझे कभी भी टीवी नहीं देखने देंगे। तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर किसी ने पकड़ लिया तो क्या होगा? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ चाची, प्लीज आप दादी सा को कुछ मत बताना, प्लीज चाची, वो मुझे बहुत कठिन सजा देंगी। क्या करूं, इतनी बड़ी बात फैमिली से छुपाना क्या ठीक रहेगा? और अगर बता दिया तो बेचारे लकी की खैर नहीं। आंटी प्लीज मेरे दोस्त की हेल्प कीजिए, प्लीज घर पे कुछ मत बताइएगा। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी, और साथ में कोशिश भी करूंगी कि मासा को राजी कर लूं कि तुम्हें दिन में एक घंटा टीवी देखने दे, जिसे तुम्हें रोज झूठना बोलना पड़े घर पे। लेकिन एक शर्त में, इसके बदले में तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम पढ़ाई अपनी मन लगा के करोगे, बोलो। हाँ चाची बिल्कुल ठीक है, अगर मेरे को ये मेरा फेवरेट शो देखने को मिला तो मैं खूब पढ़ाई करूंगा। मुझे इस बारे में मासा से जल्द से जल्द बात करनी पड़ेगी। चलो अभी घर चलो, चलो बाय सनी, बाय। चलो होगी सचिन के समय की नीलामी, लेकिन इस नीलामी में हर कोई नहीं ले पाएगा हिस्सा। इस नीलामी में कंजूसों के लिए कोई जगह नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि सचिन को और पैसे की जरूरत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सचिन अपने लिए नहीं, बिल्कुल सही टाइम घर में बात की जाए कि कुछ देर बच्चों को टीवी देखने की परमिशन भी मिलनी चाहिए। चेहरे पर होगी मुस्कुराहट, देखिए सचिन की नीलामी का सच। समय बिकता है, बोलो खरीदोगे? सचिन तेंदुलकर मैदान पर जो रिकॉर्ड बनाते हैं उसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन आज हम आपको उनके उस पहलू के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सचिन समाज सेवा में इतने करते हैं, और वो चाहते हैं कि इस काम के लिए बाकी लकी अनु गुड़िया के लिए वो अपने समय, तुम भी यहाँ पे आके टीवी देखो। तो फिर क्या देखना है तुम्हें? कार्टून। कार्टून? हाँ। बाबूजी प्लीज कुछ देख लेना, कार्टून चैनल लगा दीजिए, वो बच्चों का ना एंटरटेनमेंट हो जाएगा। हमारे घर में बच्चों को टीवी देखने की अनुमति नहीं है। बाबूजी एक बात बताइए, अगर दिन भर काम करने के बाद लोग घर आके टीवी देख लेते हैं, अपना मनोरंजन कर लेते हैं, दिन भर का तनाव दूर कर लेते हैं, तो क्या ये गलत है? हाँ, अब दिन भर काम करने के बाद अगर टीवी देखने से उसका तनाव दूर हो जाता है तो देखना चाहिए, है ना? बाबूजी क्या यही बात छोटे बच्चों पर लागू हो सकती है? भाई वैसे अंग्रेजी का एक मुहावरा है, ऑल वर्क एंड नो प्ले इज नो गुड, यानी दिन भर काम करने के बाद यदि मनोरंजन शून्य तो वो ठीक नहीं। एकदम सही कहा है बाबूजी। बाबूजी मैं भी वही चाहती हूँ कि पढ़ाई करने के बाद ना बच्चों को सिर्फ एक घंटे के लिए टीवी देखने दिया जाए। ओए हमारे बच्चे टीवी देखते हैं ना, वो जैसे ही पढ़ाई खत्म करते हैं उसके बाद वो चैनल देखते हैं जो पढ़ाई वाला और वो बड़ी बड़ी जानकारी आती है ना वो वाला। अरे वाह भाभी ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो एक तरह से ज्ञान बढ़ाने वाली बात हुई ना, लेकिन मैं तो बच्चों के मनोरंजन उनके एंटरटेनमेंट की बात कर रही हूँ।
कार्टून चैनल? अब आप ही बताइए, अगर आप बड़े लोगों को बोला जाए कि आप लोग न्यूज मत देखिए, कुछ और देखिए, तो क्या आप लोगों से सहन होगा? अजी मुझसे तो अभी भी न्यूज चैनल एकदम सहन नहीं होता, पूरे दिन एक जैसी खबरें आती है, चोरी डकैती लूट खसूट गैंग माफिया। क्या तुम्हें अनुमान है कि इस समय तुम क्या कह रही हो? मासा, क्या आपने कभी अपने लकी को गौर से देखा है? पढ़ाई करते करते उसका रंग कितना पीला पड़ गया है। अरे ये चाची क्या बोल रही है? जी पीला? जी हमारा लकी तो एकदम स्वस्थ है, सुंदर है। हाँ मैं तो बस ये कह रही थी कि लकी की उम्र के बच्चों को ना बिना किसी तनाव के एकदम खुश खुश रहना चाहिए। ये लवली एका एक बच्चों को टीवी दिखाने पर क्यों तुली हुई? बाबूजी अब आप ही बताइए, क्या ये ठीक है कि बच्चे दिन भर घर से बाहर ना जाएं, ना खेले ना कूदे, बस घर बैठ के पढ़ाई करते रहे? बस इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि पढ़ाई करने के बाद ना 7 से 8 के बीच बच्चे टीवी देख सके। अब बाबूजी प्लीज परमिशन दे दीजिए ना। बुद्धि खो दी है क्या? जब हम छोटे थे तो उस जमाने में टीवी नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी हमारा मनोरंजन होता था। जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता था, जैसे कि पुस्तकें। ये मरे टीवी में रखा क्या है? इससे सिर्फ बच्चे बिगड़ते हैं और कुछ भी नहीं। मासा, जमाना बदल चुका है और टीवी इतना बुरा नहीं है कि इससे बस नुकसान ही नुकसान हो। ओए लवली, तू इतनी बहस क्यों की जा रही है इस मुद्दे पे? हैं, साढ़े बच्चों ने तो कभी कोई शिकायत ही नहीं की। हद हो गई साहब, हमारे बच्चे तो गंभीरता से पढ़ना चाहते हैं और ये छोरी उन्हें टीवी दिखा करके 1 घंटा बर्बाद करना चाहती है। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, समझे? तो हो गई तसल्ली, कर ली बहस? देखो लवली, हमारे घर के कुछ नियम हैं और हम सब इन नियमों से बहुत खुश हैं। इन नियमों में ढल सकती हो तो ढलो, इन्हें बदलने की कोशिश मत करना। लवली, तू खामोखा के पचड़ों में पड़ के घर में तनाव क्यों बढ़ा रही है? हैं, सब परेशान हो गए हैं देख। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, इस घर में कुछ चीजें हैं जो बदल नहीं सकती। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, वो भी इसलिए कि मैं लकी का घर से बाहर जाना बंद करवा सकूं। खैर, चलो चलो ये चलो चलो चलो। कोशिश की 5 बहुएं
सोई नहीं? चाची मैं तो आपको थैंक्स बोलने आया क्योंकि आपने अपने तरफ से बहुत कोशिश की। हाँ लकी, पर क्या फायदा, किसने हमारी बात ही नहीं सुनी। मुझे पहले से पता था कि मासा नहीं मानेंगी क्योंकि वो अपने नियमों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उनसे फिर से बात करूंगी। चाची आप जितनी बार भी कोशिश कर लो ऐसा ही होगा। पर मैं तो मेरे फ्रेंड के घर मेरा प्रोग्राम देखने जाऊंगा। लकी तुम्हें डर नहीं लगता? डर तो लगता है पर मैं भी तो उससे नहीं छोड़ सकता। देखो लकी ऐसा नहीं कहते, ये बहुत गलत बात है। मैंने कहा ना कि मासा से बात करने की कोशिश करूंगी फिर से। अरे लकी तू यहाँ क्या कर रहा है? वो भाभी ने कहलवाया था कि सुबह जल्दी उठना है इसलिए जल्दी सो जाओ, बस ये वही कहने आया था। लकी तुम जाओ और जाके सो जाओ। गुड नाइट, जाओ। बाय चाचा, बाय चाची, बाय, गुड नाइट। मैंने कार्तिक को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन अब नहीं, अब इसके बाद मैं नहीं झुकूंगी। इसकी अकड़ का जवाब मैं अकड़ से ही दूंगी। दिए वहां पे लगा देती हूँ। अरे लवली, पहले दियों को पानी में भिगोना है उसके बाद लगाना है। पानी में क्यों? दियों को अगर पानी में ना भिगो तो वो तेल ज्यादा सोखते हैं। पर ये काम हम बाद में करेंगे, अभी हमें धनतेरस की पूजा के लिए दुकान पे पहुंचना है और तुम भी जल्दी से आ जाओ। ठीक है, आओ में संभाल के करना सामान। हाँ। हमेशा मेरे रास्ते में आ जाती है। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम इतने भारी हो कि मैं खुद ही गिरने वाली थी। और वैसे भी तुम्हें बचाया मैंने और तुम शिकायत कर रहे हो आगे से। तुम मुझे बचा रही थी कि मैं तुम्हें बचा रहा था? तुम्हें मैंने बचाया कार्तिक यहाँ से गिरने से।
चावल दिलाती हूँ। कार्तिक चाचा, लवली चाची, जल्दी जल्दी काम खत्म करो वरना दादी से कभी भी नीचे आ सकती है। हाँ बेटा, मैं भी चाची को वही समझा रहा था।